जो उड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख, कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, आप सभी को बेटा कॉम्पिटेटिव क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे मैं आलोक स्वागत करता हूँ। आज के करेंट अफेयर सीरीज में 20 अप्रैल के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप सभी के लिए लेकर आए हैं इस चैनल पे। आप सभी लोग ध्यान से क्लास को फॉलो करें, आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी 20 अप्रैल के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो सारा क्वेश्चन आज के क्लास में रहेगा, आप सभी लोग ध्यान से फॉलो करें। जो लोग नए हैं क्लास सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करते रहें, आप सभी लोग लिंक शेयर करें, कोशिश करें आप सभी लोग ज़रूर सुबह में जुड़ें। उपस्थिति बहुत कम रह रहा है, आप लोग ज़रूर सुबह के 6 बजे लाइव चैट में शामिल हों। शाम के आपके लिए स्पेशल बायो सीरीज लेकर आए हैं जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। जो भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं आप सभी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट सीरीज है, इसलिए आप सभी ज़रूर समय से क्लास को फॉलो करें, इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, इसलिए समय से आप सभी लोग जुड़ें। जो लोग सोएंगे वो बहुत कुछ खो बैठेंगे, इसलिए सुबह उठें और क्लास को ज़रूर फॉलो करें। सुबह उठकर कुछ समय जो है वो कोई एक्सरसाइज करें, योगा करें, उसके बाद क्लास में जुड़ें, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, पूरे दिन एनर्जेटिक रहेंगे। सुबह से ही अपने समय का सही प्रयोग करें, देखिएगा काफ़ी बेहतर होगा, इसलिए सभी लोग समय से जुड़े और तैयारी को और अच्छा से करें ताकि आपको काफ़ी फ़ायदा हो सके। तैयारी रुकना नहीं चाहिए, आपको हारना नहीं चाहिए, आपको बस चलते रहना है, डेली कोशिश करना है कि पिछले दिन से आज कुछ और बेहतर करें, आज और कुछ ज़्यादा आउटपुट मुझे मिले, तो इस तरह से आप करेंगे काफ़ी अच्छा होगा। आइए आज के जो क्वेश्चन है सभी लोग लाइव चैट में आंसर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में विश्व लीवर डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो लीवर डे मनाया गया, कब मनाया गया आप लोग आंसर करें। लीवर डे अभी हाल ही में मनाया गया, कब मनाया गया है आप लोग आंसर करें। ऑप्शन नंबर ए है 16 अप्रैल, बी 17 अप्रैल, डी है 18 अप्रैल और सॉरी 16, 17, 18 और 19। विश्व लीवर डे आप लोग आंसर करें, लीवर को ही यकृत कहा जाता है, विश्व यकृत डे भी कह सकते हैं, कब मनाई जाती है आप लोग आंसर करें। तो ध्यान रहे कि विश्व लीवर डे प्रतिवर्ष 19 अप्रैल को मनाई जाती है, यानी कि डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना है। इस वर्ष का थीम है सतर्क रहें, लीवर की नियमित जांच कराएं, फैटी लीवर किसी को भी प्रभावित कर सकता है, इस बार का थीम है लीवर डे का, आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से हर वर्ष 19 अप्रैल को लीवर डे मनाई जाती है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में युवा पोर्टल लॉन्च किया है? आप लोग आंसर करें, किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में युवा पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर 1 है जयशंकर, सेकेंड है पीयूष गोयल, थर्ड है स्मृति ईरानी और डी नंबर है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो सभी लोग इसका आंसर करें कि नई दिल्ली में युवा पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया। तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। डॉक्टर जितेंद्र सिंह विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं और इन्होंने ही नई दिल्ली में युवा पोर्टल लॉन्च किया है जो कि युवा स्टार्टअप को जोड़ने और आगे बढ़ाने में मदद करेगा। साथ ही उन्होंने एक सप्ताह का एक प्रयोगशाला कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया नई दिल्ली में, जो कि वन वीक वन लैब अभियान के तहत जो है इसकी शुरुआत की गई है। तो ध्यान रखेंगे युवा पोर्टल किसके द्वारा, तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि हाल ही में IPL में 6000 रन बनाने वाले दुनिया के चौथे बल्लेबाज कौन बने? आंसर करें आप सभी लोग, IPL में 6000 रन बनाने वाले दुनिया के चौथे बल्लेबाज कौन बने? आप लोग आंसर करें, सभी लोग आंसर करें। तो ध्यान रहे ऑप्शन है 1 नंबर विराट कोहली, सेकेंड है महेंद्र सिंह धोनी,
सी है आपका के एल राहुल और डी रोहित शर्मा। तो आईपीएल में 6000 रन बनाने वाले दुनिया के चौथे बल्लेबाज कौन बने? तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा। रोहित शर्मा 6000 रन बनाने वाले दुनिया के चौथे बल्लेबाज बने। इनसे पहले रोहित शर्मा से पहले आईपीएल में 6000 रन का आंकड़ा विराट कोहली, शिखर धवन और ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर हासिल किए हैं, जबकि आपका जो है वो 6000 रन बनाने वाले ये छठे खिलाड़ी बने दुनिया के। जबकि भारतीय में अगर देगा तो भारतीय में तीसरा, क्योंकि विराट कोहली और शिखर धवन के बाद रोहित शर्मा, तो भारतीय में तीसरा और दुनिया में चौथे बल्लेबाज 6000 रन बनाने वाले बने आईपीएल में, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि हाल ही में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत कितने करोड़ रुपए की परियोजना की मंजूरी दी गई है? तो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत कितने करोड़ रुपए परियोजना को मंजूर दिया गया? ऑप्शन है 1 नंबर 538 करोड़, बी है 638 करोड़, सी 700 करोड़ और डी इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय स्वच्छता गंगा मिशन के तहत कितने करोड़ रुपए मंजूर किए गए? आप लोग आंसर करें, सभी लोग आंसर करें। तो ध्यान रहे इसके तहत कुल 638 करोड़ रुपए मंजूरी दी गई है। और ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के जो अभी महानिर्देशक हैं वो अशोक कुमार है और इन्हीं की अध्यक्षता में यह निर्णय लिया गया है, आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से 638 करोड़ रुपए राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत जारी किया गया और इसके महानिर्देशक अशोक कुमार है जिनकी अध्यक्षता में यह जारी किया गया है, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि हाल ही में भारत में किस लॉन्ग जंपर ने एशियाई खेलों के लिए क्वालिफाई किया है? तो भारत की कौन सा लॉन्ग जंपर एशियाई खेलों के लिए क्वालिफाई किया है? ऑप्शन नंबर ए है शैली सिंह, बी अंजू सिन्हा, सी है सुरभि निगम और डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत के किस लॉन्ग जंपर ने एशियाई खेलों के लिए क्वालिफाई किया है? तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 नंबर शैली सिंह। शैली सिंह क्वालिफाई किए हैं, आपको ध्यान रखना है, जो कि आपका अभी बेंगलोर में आयोजित इंडियन ग्रां प्री में जो है वो लंबी कूद में ये जीत हासिल किए थे और इसी के साथ इन्हें एशियाई खेलों के लिए भी क्वालिफाई कर लिया गया है। तो इस तरह से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। तो एशियाई खेलों के लिए क्वालिफाई किया है कौन? तो शैली सिंह, जिनका संबंध लॉन्ग जंप पर, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछ सकता है कि शैली सिंह का संबंध किससे है, तो आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है कि हाल ही में बिजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर चुने जाने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर कौन बनी है? आप लोग आंसर करें, पहली भारतीय क्रिकेटर कौन बनी विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर्स में? आप लोग आंसर करें, विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर में पहली भारतीय महिला कौन बनी? आप लोग इसका आंसर करें। ऑप्शन नंबर 1 है झूलन गोस्वामी, 2 है मिताली राज, 3 है हरमनप्रीत कौर और 4 है पूनम यादव। तो आंसर करें आप सभी लोग। तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर को वर्ष 2023 के लिए बिजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है, ध्यान रखेंगे, और यह पहली भारतीय महिला हैं, ये भी ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 7 है कि हाल ही में भारत के किस खिलाड़ी को बिजडन द्वारा T20 फॉर्मेट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया? तो T20 फॉर्मेट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसको चुना गया? आप लोग आंसर करें। ऑप्शन नंबर 1 है शुभमन गिल, 2 है सूर्य कुमार यादव, 3 विराट कोहली और डी इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखेंगे कि T20 फॉर्मेट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जो है वो सूर्य कुमार यादव को चुना गया है, आपको ये ध्यान रखना है। सूर्य कुमार यादव को चुना गया है T20 फॉर्मेट के लिए सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, ये ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 8 है कि हाल ही में नेशनल क्वांटम मिशन के तहत कितने करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं? नेशनल क्वांटम मिशन के तहत कितने करोड़ रुपए मंजूर किया केंद्रीय कैबिनेट ने? आप लोग आंसर करें, सभी लोग आंसर करें।
ध्यान रखेंगे क्वांटम मिशन जो है इसका उद्देश्य है क्वांटम प्रौद्योगिकी के नेतृत्व वाले आर्थिक विकास में तेजी लाना, और इसके लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं आप लोग आंसर करें। एक नंबर ऑप्शन है 1000 करोड़, सेकेंड है 3000 करोड़, थर्ड 6000 करोड़ और डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में नेशनल क्वांटम मिशन के तहत कितने करोड़ रुपए मंजूर किए गए, तो ध्यान रखेंगे कुल 6000 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं, यानी कि सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8-9 है कि हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र के डेटा के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया। काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे अंडरलाइन करेंगे कि हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र के डेटा के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन बना, तो आबादी में चैम्पियन कौन रहा। तो ऑप्शन है एक नंबर भारत, सेकेंड है चीन, थर्ड जापान और फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र के डेटा के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन बना, तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा एक नंबर, चीन को पछाड़कर भारत सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया। किसके द्वारा जारी डेटा के अनुसार, तो संयुक्त राष्ट्र के डेटा के अनुसार आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र के डेटा के अनुसार 15 से 64 साल की सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन बना है, आप लोग आंसर करें। 15 से 64 साल के सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन बना, ऑप्शन नंबर एक है भारत, सेकेंड है चीन, नेक्स्ट है जापान और नेक्स्ट है इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र के डेटा के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला देश भारत बना। सेकेंड क्वेश्चन है कि 15 से 64 साल की सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन बना, तो इसका भी आंसर भारत होगा, ध्यान रखेंगे कुल आबादी के 68%, ध्यान रखेंगे कुल आबादी के 68% आबादी जो है भारत में वो 15 से लेकर 64 साल के बीच के हैं। यह रिपोर्ट में बताया गया कि 68% आबादी 15 से 64 साल के बीच में है, तो इस तरह से ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र की डेटा के अनुसार भारत की आबादी कितने करोड़ तक पहुंच गई, तो भारत की आबादी कितने करोड़ तक पहुंची है, ऑप्शन नंबर है 142.86, सेकंड है 142.57, नेक्स्ट है 29 लाख और नेक्स्ट इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र की डेटा के अनुसार भारत की आबादी कितने करोड़ तक पहुंच गई, तो ध्यान रखेंगे भारत की आबादी 142.86 करोड़ पहुंच गई। वही चीन के भी आबादी जो है 142.57 करोड़ पहुंच गई। दोनों के बीच के जो डिफरेंस है वही आपका 29 लाख है, यानी कि भारत की आबादी चीन की आबादी से 29 लाख अधिक है, आपको ध्यान रखना है। तो 142.86 भारत का और 142.57 जो है वो चीन की आबादी है, आप दोनों पॉइंट ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है कि हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र डेटा के अनुसार भारत में महिलाओं की औसत आयु कितनी है, भारत में महिलाओं की औसत आयु कितनी है, ऑप्शन नंबर एक है 24, सेकेंड है 21, नेक्स्ट है 82 और नेक्स्ट है 76। तो जारी संयुक्त राष्ट्र के डेटा के अनुसार भारत में महिलाओं की औसत आयु कितनी है, तो ध्यान रखेंगे कि भारत में महिलाओं की औसत आयु 24 और भारत में पुरुष की आयु जो है वो 71 ईयर है, ध्यान रखना है। महिलाओं की औसत आयु अधिक और पुरुषों की औसत आयु कम है, 71 और महिलाओं की 24। वही चीन में महिलाओं की औसत आयु 82 है और आपका वहाँ पर पुरुषों की औसत आयु 26 ईयर है। तो ये सब पॉइंट आप ध्यान रख लेंगे। लास्ट क्वेश्चन है आज का कि हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र के डेटा के अनुसार 2023 के मध्य तक वैश्विक आबादी कितना पहुंच जाएगी, सभी लोग आंसर करें। वैश्विक आबादी 2023 के मध्य तक कितना पहुंचने की उम्मीद है, ऑप्शन नंबर है 8.045 अरब, सेकेंड है 7.75 अरब, थर्ड है 6.365 अरब और नेक्स्ट है इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखेंगे मध्य तक 2023 के मध्य तक भारत विश्व की आबादी 8.045 अरब पहुंचने की चांस है। तो इस तरह से आबादी से रिलेटेड डाटा को आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहां से क्वेश्चन भी अराइज किया जा सकता है, तो आप सभी इसे ज़रूर ध्यान रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए।
सभी लोग इसे ध्यान से फॉलो करें एक दो बार, और आइए एक बार फिर से हम लोग कल वाले क्लास को रिकॉल करते हैं। सभी लोग फास्ट आंसर करेंगे। हाल ही में विश्व धरोहर दिवस मनाया गया, हाल ही में विश्व धरोहर दिवस मनाया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 18 अप्रैल। क्वेश्चन नंबर 2 है, विश्व धरोहर दिवस 2023 का थीम क्या है? आंसर करें 2023 का थीम हेरिटेज चेंजेज, यानी कि बी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन केंद्रीय मंत्री ने संगठन से समृद्धि अभियान की शुरुआत की है? संगठन से समृद्धि अभियान की शुरुआत की है तो ध्यान रखेंगे ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह के द्वारा शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में G20 डिजिटल इकोनॉमिक वर्किंग ग्रुप, ध्यान रखेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग से बार बार कहते हैं कि जितने भी क्वेश्चन आते हैं सभी क्वेश्चन का आंसर आप लोग लाइव चैट में करते रहें, तो G20 डिजिटल इकोनॉमिक वर्किंग ग्रुप की बैठक किस शहर में? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एक नंबर हैदराबाद, एक नंबर इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि हाल ही में एप्पल कंपनी ने भारत में अपना पहला स्टोर किस शहर में लॉन्च किया है? तो एप्पल के हेड अभी टीम कुक हैं और इन्होंने अपना भारत में जो पहला स्टोर मुंबई शहर में लॉन्च किया है, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में अज्ञात शवों की पहचान के लिए DNA डेटाबेस तैयार करने वाला पहला राज्य कौन बना? DNA डेटाबेस पहचान करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर की, हाल ही में राष्ट्रीय पंचायत प्रोत्साहन सम्मेलन का शुभारंभ किसने किया? हाल ही में राष्ट्रीय पंचायत प्रोत्साहन सम्मेलन का शुभारंभ कौन किया? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है, ध्यान रखेंगे। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डेनिस मंटूरो भारत दौरा पर आए, इनका संबंध? तो ध्यान रखेंगे ये रूस के उप प्रधानमंत्री थे जो कि भारत दौरा पर आए थे, ध्यान रखना है। और लास्ट क्वेश्चन है कि कर्नाटक चुनाव के लिए जमानत राशि कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा 10,000, जो कि 10,000 सिक्का ले जाकर नामांकन कराने वहाँ के एक निर्दलीय विधायक गए और चुनाव आयोग को जो है काम करते करते हालत ख़राब हो गया। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे कुल आपके लिए आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और कल के क्वेश्चन जो कि आप रिकॉल किए, तो इसी तरह से आप सभी क्लास फॉलो करते रहेंगे, करंट काफ़ी बेहतर होगा, जो भी आगामी एग्जाम होंगे उसमें आपका करंट से जो है बेहतर प्रदर्शन रहेगा, इसलिए आप सभी डेली करंट को ज़रूर फॉलो करते रहें। आज यहीं तक, मिलते हैं फिर से इवनिंग में बायो के साथ, आप सभी ज़रूर जुड़े, आप सभी ज़रूर शाम में जुड़े, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आते हैं। तो आज का क्लास समाप्त हुआ अभी का, मिलते हैं इवनिंग में, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।